चलिए, क्या भाव रहा आज गेहूं का? आज गेहूं का भाव लिया भी है साहब 2250 से लेके 2700 तक। अच्छा, ऊपर में कितना रहा? 27 और नीचे में 2250। अच्छा, अलग अलग क्वालिटी के भाव गए क्या? तेजस और पोषण बिक रहे हैं 2250 से 2320, और लोकवन पूरा बिक रहा है 2400 से लेके 2750 तक। अच्छा, और क्या डिमांड है अभी हमारे पास? डिमांड 4 रोज बाद डिमांड अच्छी आ जाएगी, खाने वालों की डिमांड आ जाएगी 2 तारीख से, तो फिर बाजार तेज हो जाएगा साहब। अच्छा, अभी व्यापारियों की डिमांड किस तरह की है? व्यापारी डिमांड अच्छी है सब लेवल है जंजन नाट। अच्छा, तो आपके बार गेहूं का अच्छा फायदा होने की उम्मीद है? गेहूँ का ऊपर 3200 से 3500 गेहूँ। अच्छा, उत्पादन उत्पादन कम रहा? उत्पादन 5 क्विंटल बीघा कम बैठ गया साहब सबका, हर जगह का। अच्छा, ये धुंधल और ये ठंड इसको चाट गई साहब। पिछले साल की तुलना में इस साल पिछले साल की तुलना में 20% का फर्क है साहब, 20% कम आएगा हमारे इस साल। अच्छा, क्या कारण रहा उत्पादन इसका? इसका उत्पादन ये धुंधल और ठंड। अच्छा, हाँ, ये धुंधल बहुत गिरी थी 1 महीना, जैसे गेहूँ की 12 बजा दी और काला धोला और कर दिया इतना गेहूँ का, क्वालिटी खराब कर दी साहब। अच्छा, सरकारी खरीद का कितना फायदा? सरकारी खरीदी चालू हो गई 2400 के भाव में, वहाँ भी आने लग गया अच्छा माल। अच्छा, तो फिर सरकारी खरीद का अपने आपको असर पड़ रहा है गेहूँ में? नहीं, सरकारी खरीदी का असर नहीं पड़ रहा सर। अच्छा, कोई असर नहीं खास? नहीं, कोई असर नहीं है सर। अच्छा, सरकारी खरीदी कोई असर नहीं आता है मंडी के अंदर। कौन कौन से गाँव से आता है अपने पास गेहूँ? अपने ये पूरे बड़दनगर तक का सर, यहाँ से बड़दनगर तक का गाँव। अच्छा, हाँ, और अभी कितने ट्राली आ रहा है माल? आज थी 450 ट्राली सर। अच्छा, आने वाले दिन में बढ़ेगी? आने वाले दिन में बस यही चलती रहेगी सर, अब इससे नहीं बढ़ेगी क्योंकि सरकारी में माल बुलना जाएगा ना। अच्छा, भाई 450 ट्राली ये चलती रहेगी सर। अच्छा, 2 महीने कंटिन्यू चलेगी ये। अच्छा, और बाहर से किस तरह की डिमांड है? विदेशों से है हमारे पास? अभी डिमांड ज़्यादा कमजोर है, तो 1 तारीख बाद डिमांड चालू हो जाएगी तो बाजार अपना तेज हो जाएगा सर। अच्छा, ये आटे वगैरह वालों की डिमांड है? इनकी डिमांड है, मिल वालों की डिमांड है सर। अच्छा, और यदि हम बात करें तो किस क्वालिटी का गेहूं अभी आ रहा है हमारे पास? अभी अच्छा आ रहा है या फिर थोड़ा सा खराब गेहूँ? थोड़ा खराब आ गया सर। देखो अभी तो क्या काले दाने सब में आ रहे हैं, 2700 का भी लेंगे उसमें भी काला दाना आएगा क्योंकि ऊपर वाले की मार पड़ गई सर, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं है सर। धीरे धीरे करके क्वालिटी साफ होने की संभावना है कैसी? नहीं नहीं अच्छा। नहीं होगी सर, आगे पिछाला सब गेहूँ सब में वो धुंधल लग गई है क्या, इसलिए क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी सर। अच्छा, क्वालिटी ठीक नहीं आएगी? हाँ, क्वालिटी ठीक नहीं आएगी सर, थोड़ी खराब है आएगी। अच्छा, तो आपके बार कुल मिलाकर के किस तरह का बाजार रहेगा थोड़ा सा बताएं? बाजार तेजी रहेगा सर, आगे पीछे जाके तेजी बाजार तेजी रहेगा, बाजार अपक जाएगा गेहूँ में। अच्छा, तो अब गेहूँ के दाम कब तक बढ़ सकते हैं? गेहूँ के दाम बढ़ जाएंगे सर, ये समझ लो कि मई जून के बाद चालू हो जाएंगे बढ़ना। जून के बाद गेहूँ के दाम? जून के बाद गेहूँ के भाव बढ़ना चालू हो जाएंगे सर। अच्छा, अधिकतम कहाँ तक जाने की उम्मीद है आपकी बात? मेरे को 3200 से 3500 की तो ये तुम्हारी ये हल्के आधे गेहूँ, और 3500 से 3700 तक ये तुम्हारे लोकवन 1 नंबर। अच्छा, हाँ, ये भाव जाना चाहिए सर इस साल।